तो क्रीपर ने मेरा घर तोड़ दिया था और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस गड्ढे से माइनिंग करना शुरू करूँ। और तुम लोगों को पता ही होगा माइनिंग करके मैं क्या ढूंढ रहा था, डायमंड। और मुझे 3 जगह पर डायमंड मिले और मैंने वहाँ से डायमंड को नहीं निकाला, बस कुछ ही डायमंड को निकाला जिसे मैंने ये पिकेक्स बनाया, और सारे के सारे डायमंड वहाँ पर ही हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ डायमंड को निकालने के लिए। पहला वाला डायमंड ये सामने में सामने ही है। मैंने बहुत दूर तक माइनिंग की और सामने मुझे और एक जगह पर डायमंड मिला। सामने ही है थोड़ी दूर अंदर, वहाँ पर मैंने खुदाई माइनिंग करके रखा है ये 4 ब्लॉक डायमंड का। और एक जगह पर डायमंड है, वो है एक केव में था। तो केव उल्टी तरफ है, मुझे केव के वहाँ पर जाना होगा। वो वाला रास्ता मैंने बंद कर रखा है क्योंकि वहाँ से मॉब्स अंदर आ रहे थे, तो उस रास्ते को मुझे फिर से खोलना पड़ेगा और खोल के वहाँ पर मैं जा सकूँगा। उस केव के अंदर मैंने और भी ज़्यादा माइनिंग की थी। केव में तो ऐसे मिलने वाला है नहीं, पहले इस केव में एंटर करते हैं। इधर सामने ही एक लावा का पूल था, मैंने वहाँ पर पानी डाल के सबको ऑब्सिडियन में बदल दिया। और उधर एक रैंडम जगह पे मैंने खुदाई की, मतलब माइनिंग की। और ये वाला जगह और एक केफ में जाके कनेक्ट होता है, और जिस जगह पर केफ कनेक्ट होता है वहाँ पर मुझे डायमंड मिला, तो वो वाला डायमंड भी लेके आते हैं। चार डायमंड मिला यहाँ से भी। मैं ये डायमंड निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं इस विलेज में और नहीं रहने वाला, मैं दूसरे विलेज में ट्रांसफर हो रहा हूँ। क्योंकि इस विलेज में जितने सारे विलेजेस थे सारे के सारे विलेजेस मर गए, पता नहीं कैसे मर गए। उनके लिए मैंने ये ट्रेडिंग हॉल भी बनाया था, और ये चीज़ बनाने के बाद मुझे पता चला कि विलेज में तो कोई विलेजर है ही नहीं। बेकार, सारा मेहनत बेकार हुआ, बेकार हो गया। तो मैं एक दूसरा विलेज में गया, सैंड विलेज था वो एक। वहाँ पर मैंने विलेजेस के लिए ये जगह बनाया ट्रेड करने के लिए उनके साथ। और मैं सोच रहा था कि एक शुगर केन फार्म बनाए ऑटोमेटिक, तो उसके लिए बहुत सारा आयरन और नेदर से भी चीज़ें चाहिए। तो अब मैं नेदर में जाने वाला हूँ। और नेदर में चलते हैं आप, नेदर से जो नेदर क्वाक या क्या है वो नाम मुझे ठीक से याद नहीं, वो लेना है जिससे मुझे यहाँ से लेना होगा नेदर क्वाक, जिससे बनेगा ऑब्जर्वर। लगता तो है ऑब्जर्वर भी बनेगा। ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत ही कम लेंगे क्योंकि मैं एक छोटा सा बनाने वाला हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा, बस टेस्टिंग के लिए। तो मैंने आधा काम कर दिया है शुगर केन फार्म का, और यहाँ पर बहुत ही कम काम बाकी है, बस ग्लास लगाना बाकी है और उधर पीछे रेड स्टोन लगाना बाकी है। तो पहले ग्लास लगा लेता हूँ यहाँ पर। और चेस्ट के ऊपर तो ग्लास नहीं बैठने वाला, तो इसके लिए मुझे साइड से ग्लास लगाना पड़ेगा। और चेस्ट खोलने के लिए सामने एक मुझे छेद करना पड़ेगा जिससे चेस्ट खुल जाएगा। अब इजीली चेस्ट खुलेगा। और यहाँ पर मुझे रेडस्टोन डस्ट लगाना पड़ेगा जिससे कि ये सब कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अब देखते हैं ये काम करता भी है कि नहीं। तो इसके चेक करने का एक ही उपाय है, शुगर केन लेके वहाँ पर लगा दूंगा लंबा करके, तभी मुझे पता चलेगा कि ये काम करता है कि नहीं। तो मुझे पहले शुगर केन निकालने दो, शुगर केन को वहाँ पर लगाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा। यस, ये काम करता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।